उत्पत्ति अध्याय 29, उत्पत्ति अध्याय 29। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया और उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा था जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था वह भारी था, और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर जो कत्यो रख देते। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से तो है, और देख, वह उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, सो भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब तक सब झुंड इकट्ठे होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। तब याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रिबका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लाबान से अपना सब वृत्तांत विवरण किया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। सो याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। तब लाबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझसे सेंतमेंत सेवा करना मुझे उचित नहीं है, सो कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दू? लाबान के 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह। सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। सो लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की, और सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया, और लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की सो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर
और 7 वर्ष तक करेगा। सो याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और लाबान ने अपनी बेटी राहेल की लौंडी होने के लिए अपनी लौंडी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहकर कि यह सुनके कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई।